गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू अनदर संडे व्लॉग। आज का व्लॉग बहुत ही डिफरेंट सा होने वाला है, क्योंकि आज के व्लॉग में मैं दिखाने वाली हूँ कि एक्चुअली में संडे सुबह उठ के हम क्या क्या करते हैं, हमारा रियल संडे रूटीन जो बहुत ही डिफरेंट है पहले से सॉरी क्योंकि पहले जब हम उधर थे, जब पहला जो हमारे पुराने रूम में थे उधर हम हमारे मेड आते थे, सो कुकिंग वुकिंग नहीं था। अभी संडे को नो मेड, तो इसलिए कुकिंग वुकिंग ये सब करना पड़ता है, तो इसलिए सुबह से ही यू नो घमासान युद्ध चालू हो जाता है। ऐसे कुछ नहीं, बट काम चालू हो जाता है, ब्रेकफास्ट लंच ये सब सोचना पड़ता है। तो आज का वीडियो यही है कि हम जनरली संडे को क्या करते हैं, क्या बनाते हैं और कैसे करते हैं, क्योंकि कुकिंग तो हमें खुद ही करना है। मैं सुबह 8:30 अराउंड उठ गई हूँ, और मेरे हस्बैंड उससे भी पहले उठ जाते हैं संडे को, बाकी दिन नहीं, सिर्फ संडे को सुबह उठ जाते। उठ के उन्होंने कुछ मतलब काम वाम किया है, क्या काम किया है? ये अभी किचन पे है बेबी। क्या किया सुबह उठ के अपने? सुबह उठ के सबसे पहले कपड़े वॉशिंग मशीन में दिए थे, और फिर अभी वो हो गया है तो वो छत पे भी लेके आ गया हूँ। उसके बाद वॉशिंग मशीन में देने के बाद जाके मैं शॉपिंग करने गया था चिकन और फिश का। okay. तो उसके बाद उनको लेके आया हूँ, और उसका फिश आपके धो गया है और ऐसे पैक हो गया है ताकि आप कुक कर सको। ओके, फिश आपका ऐसे धुल गया है और पैक कर दिया, अभी बस इनको मुझे पैक करना है, फ्रिज में डालना है। यस। और चिकन धुल रहा है, चिकन आपका भी धुल रहा है। और ये जो बर्तन देख रहे हो ना, ये सब इन्होंने इधर सिंक पे था, इन्होंने ही साफ करके रखा है। क्या है बेबी, क्या है? हाँ, चिकन विकन दोनों से पहले फर्स्ट यू क्लीन दैट सिंक अपना। हाँ, और आप सोच रहे हो कि ये सब उन्होंने किया है तो मैंने क्या किया है? मैंने क्या किया? मैं आपको दिखाती हूँ क्या किया मैंने। ये अनियन कट किया है, ये अदरक छिला है, और इधर दो लहसुन है, इसको भी मैंने छिला है। ये है प्रूफ मैंने किया है। देखो बेबी, बेबी दिस इज व्हाट हैपेंड, आप जब महंगा कढ़ाई मेड को देते हो। हाँ। ये दिखेगा नहीं, ये एक महीना हुआ है, दिस इज अ वेरी कॉस्टली मतलब अराउंड 70 स्टील के ऊपर वो कोटेड है, क्या कहते हैं दिस, टेफ्लॉन की कोटिंग है स्टील के ऊपर, 1700 के ऊपर की कॉस्टिंग है इसकी, और ये दिखेगा नहीं इसमें। हाँ, ये देखो, एक तो कलरिंग उड़ गया, जला और दिया है पूरा। हाँ, और जला दिया, और इधर इतने दाग हो चुके हैं कि वी कांट ट्रस्ट, छेद हो चुका है इसमें। हाँ, छेद वेद पूरे हो चुके हैं इसके अंदर, तो मतलब है कि अगर मेड रंग रहेगा तो हमने सोचा कि अच्छा देंगे, ढंग से यूज करेंगे। नो, आराम से करना। मतलब उनको सस्ते वाले ही दो, मतलब अगर मेड से आप खाना बनवा रहे हो घर पे, सो गिव देम दी एज मच एज चीपेस्ट प्रोडक्ट एज यू कैन, एंड वो एक दो महीने में खराब हो जाएगा, चेंज करो और नेक्स्ट लो। ये देखो गाइस, अब यहाँ पर दाग अच्छे से दिख रहा है, कैन यू सी कितने सारे दाग कर दिए इन्होंने। अभी वी आर एडिंग ऑयल, एक अच्छी बात है आज ना हमें ब्रेकफास्ट के लिए ज्यादा तामझाम नहीं करना है, क्योंकि कल जो मतलब जो कुक दीदी थी, कल हमने ब्रेकफास्ट के लिए दाल पराठा बनवाया था, और दो एक्स्ट्रा है मतलब बच गया है दो, तो मैंने फ्रिज में डाल दिया, आज के ब्रेकफास्ट के लिए वही रिपीट कर लेंगे, है ना, बहुत जीनियस आइडिया। तो या हमारे पास यही दोनों दाल पराठा है। आई नो दोनों दो पराठा दो लोगों के लिए थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन वैसे भी हम लंच को चिकन खाएंगे, सो हो जाएगा, चल जाएगा। लहसुन पहले दे दिया, अब ये अदरक दे रहे हैं।
जनाब के लिए टी ही उधर से इधर लाना पड़ा क्योंकि ही इज कुकिंग, तो कुकिंग करते करते ब्रेकफास्ट करते करते उनको टीवी देखना है। बेबी देखना क्या ही है तो बताओ। मेरा कोई चॉइस नहीं है, मैं टीवी नहीं देखती हूँ। खोलो फिर वो क्या कहते हैं आपका वो खोलो हॉटस्टार खोलो, एक सीरीज आया कोई। मैं कोई कोरियन सीरीज नहीं देखूंगी। हाँ हाँ मैडम ओके, नहीं घर वापसी शायद अच्छी सीरीज है कोई। हैप्पी यू कुक एंड वॉच टीवी, कुक एंड टीवी, टीवी एंड कुक। सो अभी हुआ है 10:30 और बेबी हमारा चिकन रेडी। मैडम हो गया चिकन आपका। वाह यम्मी यम्मी, और आपका फिश भी फ्राई हो गया। यस अभी थोड़ा आराम करने का टाइम हुआ है, मतलब खाना वाना बन चुका है, ब्रेकफास्ट हो चुका है। अभी मेरे हस्बैंड जो है हेयर कट के लिए बाहर गए हैं तो थोड़ा टाइम लगेगा, और तब तक मैं थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ। एंड आई थिंक अब में से बहुत लोगों को नहीं पता है, जो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं उनको ही पता होगा कि मुझे कोविड हो गया था दिस वीक। सो इट वॉज़ रियली सरप्राइजिंग, और कोविड में मुझे ज़्यादा कुछ नहीं, मतलब ज़्यादा बुखार या सांस लेने में तकलीफ ये सब नहीं था, लेकिन प्रॉब्लम जो मेरा था पूरा गला जो है टॉन्सिल जो है वो लर्ज हो जाता है ना, टॉन्सिल में इन्फेक्शन जो है वो हो गया था। इसके लिए मैं कुछ भी खा नहीं सकती, पी नहीं सकती थी, बात नहीं कर सकती थी, बात करने में भी दिक्कत, इवन हमारा जो सलाइवा है होता है ना माउथ के अंदर वो भी मुझे अंदर लेने में दिक्कत हो रही थी। आई वॉज स्पिटिंग आउटसाइड क्योंकि मुझे मतलब ऐसा करने में भी बहुत पेन हो रहा था, इट वॉज़ इंटेंस। तो मैंने सोचा कोई कि नॉर्मल थ्रोट इन्फेक्शन हुआ होगा। सो उसके बाद कम ही नहीं हो रहा है, एंटीबायोटिक भी ले लिया, उसके बाद भी कम नहीं हो रहा है। फिर डॉक्टर ने बोला कि आप RT-PCR करवाओ। मैंने अच्छा चलो करते करके ऐसे करवाया, पॉजिटिव आ गया है ना, आई वाज नॉट बिलीविंग कि अरे मुझे कोविड हुआ है इस हालत में। अभी भी आप देख सकते हो मेरा गला थोड़ा सा थोड़ा सा बैठा हुआ है, एंड अभी भी थोड़ा सा है मतलब थ्रोट पेन, लेकिन जो पहले जो खतरनाक वाला था वैसा वाला तो नहीं है। सो आई एम थैंकफुल सब लोगों ने जो जो मेरे स्टोरी में देखा था, सब ने मुझे बहुत सारे विशेज़ भेजा है, थैंक यू सो मच फॉर योर विशेज़। और या आई एम गेटिंग बेटर, अभी तो मैं ठीक ही हूँ, लेकिन क्या है ना वो जो मेडिसिन चल रहा है तो वो मेडिसिन के लिए मुझे ना पता नहीं मे बी मेडिसिन थोड़ा सा कफ भी है, तो उसके लिए ना मुझे बहुत नींद आता है, मतलब मैं सुबह उठ जाती हूँ जल्दी, और उठ के ब्रेकफास्ट सब कुछ करने के बाद फिर से मुझे 10:30 अराउंड नींद आता है, और वो जो मैं सोती हूँ ना दोपहर को 1-1.5 बजे तक, मतलब 3 घंटा मैं सोती हूँ, ये पहले कभी नहीं हुआ है। और उसके बाद 1-1.5 बजे बाद उठने के बाद फिर से मैं नहा धो के फिर लंच वंच कर लेती हूँ, लंच करने के बाद फिर से 3 बजे मैं सो जाती हूँ, और 3 से 5, 5:30, 6 बजे तक मैं सोती हूँ। सो दिन में ही मैं 6-6 घंटा सो रही हूँ, और ये कंटिन्यू हो रहा है ऑलमोस्ट 4-5 दिन से ऐसा चल रहा है, और रात को भी मुझे ठीक टाइम पे नींद आ रहा है। इतना अगर सो गए आप दिन में तो रात को ऑब्वियसली नींद नहीं आएगा ना, मुझे तो नहीं आता है, लेकिन रात को भी मैं भी ना मतलब 10:30-11 o'clock मैं सो जा रही हूँ। सो इसलिए यार इतना कौन सोता है। फिर मेरा जो कॉफ सिरप है ना वो मैंने कम कर दिया है, मैं सिर्फ रात को ही लेती हूँ, लेकिन मुझे ऐसा कुछ फ़र्क तो नहीं दिख रहा है कफ सिरप कम करने से। फिर भी मुझे थोड़ा सा डिजनेस लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि मैं सो जाऊँ वैसा वाला फीलिंग है अभी भी। तो आज संडे है और मैं सोच रही हूँ कल मैं ऑफिस ज्वाइन करूँगी, लेकिन कल तक मेरा एक्चुअली मेडिसिन जो है कल तक चलेगा, कल से बाद कल के बाद मुझे और वो मेडिसिन लेना नहीं पड़ेगा अकॉर्डिंग टू डॉक्टर। तो वही मैं सोच रही हूँ कल आई शुड ज्वाइन और नॉट, देखती हूँ तबीयत कैसा है। वैसे आई एम फाइन, फिट एंड फाइन, और कुछ प्रॉब्लम नहीं है,
थोड़ा सा गले में थोड़ा सा है, वो भी बहुत माइनर, तो देखते हैं। लेकिन थोड़ा सा ये गिरीनेस वैसा होता है ना, बहुत अजीब सा लग रहा है, लाइक अभी भी मुझे फील हो रहा है। तो अभी जाके मैं सो जाऊंगी थोड़ी देर के लिए, उसके बाद बाकी काम करेंगे। बाय द वे, इन द मीनवाइल हम लोगों ने कुछ और भी काम किया है, लाइक छत पे कपड़ा देके तो आए थे, उसके बाद हम लोगों ने क्या किया है, हाँ जो पिलोज है ना वो सारे पिलोज छत पे देके आए हैं, क्योंकि बेंगलुरु में इतना बारिश हो रहा है, इतना हो रहा है, तो सारा बहुत यू नो ऐसा लगता है कि बहुत कोल्ड हो गया है, बहुत सौगी जैसा फील हो रहा था, तो इसलिए जो सारा पिलोज है थोड़ा बाहर धूप में देने के लिए आए हैं, ताकि जो जर्म्स है वो भी यू नो मर जाए। और ये देखो मेरे गार्डन पे ना रोज हुआ है, ये देखो मेरा प्यारा रोज, तो ये इधर भी फ्लावर आया है, इसमें भी फ्लावर आया है, इसमें भी फ्लावर है, और ये भी है। छत पे तो छुट्टी के दिन कपड़े सुखाने के लिए कम से कम 4-5 बार आना ही पड़ता है। 2 राउंड वॉशिंग मशीन हम घुमाते हैं और उसमें तो आना ही पड़ता है। तो ये देखो ये सारे पिलोज मैंने दिया था गर्म होने के लिए, ज़्यादा गर्म हुआ नहीं, लेकिन लेके चलते हैं, थोड़ा क्लाउडी क्लाउडी हो रखा है। ओके, सो अभी ऑलमोस्ट संडे का सारा काम हो गया, मैंने थोड़ा सा नींदी भी कर ली। मैंने कहा था ना वो ब्रेकफास्ट के बाद नींद मेरा ऐसा हो चुका है कि मुझे सोना ही है, ऐसा फील होता है, और कफ सिरप भी मैं ले रही हूँ ना, तो ज़्यादा वो सोने का टेंडेंसी हो जाता है। सो अभी मैं सब काम करके छत पे जो कपड़ा वपड़ा सुखा के मैं आई हूँ, अभी मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा यू नो स्किन केयर हेयर केयर ये सब करूँ, क्योंकि आप देख सकते हो मेरा हेयर जो है, ओ माय गॉड, अब देख ही सकते हो मेरा हेयर जो है बहुत ही ड्राई एंड रफ हो गया है। 6 महीने हो गया है मैंने हेयर कलर करवाया है, उसके बाद से ना कुछ प्रॉब्लम तो लगा ही रहता है, लाइक हेयर फॉल एंड रफ, देन डल एंड रफ हेयर, ये सब। तो मुझे हर एक चीज़ के लिए अलग अलग प्रोडक्ट यूज़ करने से अच्छा मुझे एक प्रोडक्ट चाहिए था जो सारा ये जो प्रॉब्लम है ना इसका सोल्यूशन लेके आए। तो ऐसे मैं सोच रही थी, बहुत ढूंढ रही थी, और मुझे तब मिला दिस सुपर फूड फॉर आवर हेयर। दिस इज कामा आयुर्वेदा मृंगादि केश लेपम, जो बहुत 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 ही अमेजिंग प्रोडक्ट है। अगर आपके हेयर में कोई ऐसा कुछ चल रहा है जो सारा प्रॉब्लम का वन स्टॉप सॉल्यूशन अगर आप ढूंढ रहे हो, मतलब सब कुछ सॉल्व करेगा, देन दिस इज द वन। इसका एप्लीकेशन जो है ना बहुत ईजी है, मैं आपको दिखाती हूँ। सपोज मैंने इधर से पार्टीशन कर लिया है, और इसका जो ढक्कन है ये ऊपर की तरफ करोगे तो ओपन हो जाता है। सो ये ओपन है और ये हो गया अप्लाई, बस इतना ही इजी है। और फिर आप अपने स्कैल्प पे अप्लाई कर लो, ऐसा करके आप अपने पूरे हेयर पे अप्लाई कर लीजिए। ये बिल्कुल भी मेसी फील नहीं होता है, और जो बाकी केश लेपम में जो होता है ना बहुत ही क्रेजी, बहुत ही यू नो मेसी हो जाता है, हर जगह नीचे फैल जाता है, ये ऐसा वाला बिल्कुल नहीं है। सो मैंने पूरा हेयर पे अप्लाई कर लिया है। अप्लाई करने के बाद 1 to 2 मिनट्स थोड़ा सा मैं हल्का सा मसाज करूँगी स्कैल्प पे, ताकि ये अच्छे से अब्सॉर्ब हो जाए, और बस ये हो गया मेरा
काम आयुर्वेदा का जो ये केश लेपम है ये लगाना बहुत ही इजी है। अब देख ही सकते हो कि मेरे टी शर्ट पे कुछ भी नहीं लगा है, मतलब वैसा वाला लेप नहीं है जो ऐसे ऐसे करके लगाना पड़ता है, इधर से टपक टपक के गिरता है, बहुत मेसी हो जाता है। और ये मैं यूज़ करती हूँ हफ्ते में एक या दो दिन, मतलब वीकेंड पे आपको ज़्यादा टाइम मिलता है ना, तो जस्ट हेयर वॉश करने के 15 मिनट्स पहले आप ये लगा लो, उसके बाद 1-2 मिनट मसाज कर लो और छोड़ दो, उसके बाद आप 15-20 मिनट्स के बाद आप शैम्पू कर लो और देख रहा आपका जो हेयर है बिल्कुल बहुत ही शाइनी, बहुत ही अच्छा दिखेगा। कामा आयुर्वेदा का दिस इज द बेस्ट नरिशिंग रिस्टोरिंग प्री वॉश हेयर मास्क, जिसमें भरपूर मात्रा में सारा न्यूट्रिएंट्स है जो हमारे हेयर को चाहिए। सो दिस इज काइंड ऑफ सुपर फूड फॉर आवर हेयर। अगर आपके हेयर में कोई प्रॉब्लम है देन आई डेफिनेटली रिकमेंड यू बाय दिस, आप बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं करोगे। इनकेस यू वॉन्ट टू बाय दिस वन, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगी, यू कैन गो एंड चेक इट आउट, दिस इज डेफिनेटली गुड फॉर योर हेयर। तो अभी मैंने लेप तो लगा लिया है, हेयर इज सॉर्टेड, थोड़ा सा सोच रही हूँ मैं स्टीम ले लूँ। वैसे भी मैं स्टीम तो ले रही हूँ ड्यू टू कोविड, लेकिन अभी थोड़ा सा फेस के लिए मैं स्टीम लूँगी। ये जो जगह है ना नाक के ऊपर थोड़ा सा वाइट हेड ऐसा जम गया है, सो मैं सोच रही हूँ स्टीम लेके थोड़ा सा क्लीन कर लूँ। क्या होता है ना जब आप थोड़ा सा तबीयत खराब लग रहा है या फिर डाउन फील कर रहे हो, ऐसा कुछ हो रहा है, तो उस टाइम पे थोड़ा सा खुद का केयर करना, ये सब छोटी मोटी चीज़ें करने से यू फील गुड समटाइम्स, नॉट एवरी टाइम समटाइम्स, क्योंकि अभी मेरा तबीयत थोड़ा ठीक है, मैं ठीक हो गई हूँ, इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा मैं अपना ख्याल रखूँ। कुछ दिन तो ऐसे मैं पड़ी हुई थी, बिल्कुल भी हेयर वॉश नहीं किया था, पूरा ड्राई हो चुका था और ऑयली भी स्टिकी स्टिकी हो चुका था, तो इसलिए सोचा थोड़ा हेयर लिप लगाते हैं, उसके बाद मैं सोची थोड़ा फेस पे कुछ करते हैं। सो या लेट्स गो एंड डू दैट। एंड नाउ इट इज लंच टाइम एंड लुक एट हिम, ही हैज गॉट अ न्यू हेयर कट। यस बेबी, वेरी सिंपल, जाके बोलो सिर्फ कि मीडियम हेयर कट करना है स्मॉल करना है, बस वो बता देता हूँ और बैठा रहता हूँ आराम से काट देते हैं। बट एक चीज़ है कि इधर थोड़ा भीड़ ज़्यादा है, तो संडे इज नॉट रिकमेंडेड डे टू गो एंड डू इट। आज मेरा 1.5-2 घंटा बर्बाद हो गया। ओके तो चलो अभी तो हम लंच करेंगे और लंच के लिए क्या है वह दिखा देते हैं। सो लंच में है राजमा चावल और वो है चिकन, थोड़ा सा मैं कटोरी में लेके आई हूँ और चलेगा उसके साथ टीवी में कुछ जो देखना है, यही देख रहे थे ना सुबह घर वापसी। चलो लेट्स स्टार्ट। ओके सो फाइनली इतने दिनों के बाद आज हम थोड़ा बाहर निकले हैं, वो भी बहुत नेगोशिएट करने के बाद, इनका चेहरा देखो बहुत गुस्सा है, बहुत 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 नेगोशिएट करने के बाद कि मैं बस कार में ही रहूँगी, मैं उसके कार के नीचे मैं नहीं जाऊंगी, कार के नीचे मैं नहीं उतरूंगी, बाहर कहीं पे भी नहीं जाऊंगी, क्योंकि इतने दिन से मैं पूरा बंद थी, अभी तो मैं ठीक हो गई हूँ। क्या कारण है वो भी बता पूरा। वो इन लोगों को पता है ना, मैंने व्लॉग के पहले बताया था कि कोविड पॉजिटिव हुआ था मुझे, लेकिन अभी मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। इवन मोस्ट प्रोबेबली आई विल जॉइन टुमारो माई ऑफिस, और नहीं तो डे आफ्टर टुमारो। तो वही इसलिए मैं बोल रही थी और टाइम नहीं मिलेगा, आज संडे है, थोड़ा बाहर घूम के लेके आओ, क्योंकि बहुत वो बहुत ही क्या बोलते हैं घर में सफोकेशन फील हो रहा था करके करके, थोड़ा शक्ल तो दिखाओ अपना। ब्लैकमेल करना होता है गाइस, जैसे ब्लैकमेल करना होता है मेरे को लेके चलो, मैं बोला अच्छा खुद चली जाओ फिर, ठीक है अगर जाना ही है तो, मेरी बात नहीं सुननी है तो भाई यू नो यू शुड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ and you should not go out when you are recovering, you should recover and then go out. ये देखो गाइस अभी देखा है इधर कुछ गोल्ड ज्वेलरी एग्जीबिशन कम सेल चल रहा है इस कन्वेंशन होटल पे, ये इस जगह पे है, और हम दोनों आए हैं बिल्कुल चड्डी बनियान घर के कपड़ों में, तो ऐसे अगर हम जाएंगे तो भगा देंगे उधर से, लेकिन जाने का बहुत यू नो मन हो रहा है,
लेकिन ठीक है चलो। और एक आ रहा है सेल ऐसा नेक्स्ट वीकेंड तो लेके जा। और ये देखो बारिश चालू हो गया है और बेंगलोर का मौसम बारिश जाता ही नहीं। सो वी आर बैक अगेन। घर पे तो आ गए हैं, बहुत पहले जस्ट 10 मिनट के लिए हम बाहर गए थे और अभी फिर से हम आ गए हैं किचन पे। मिस्टर शेफ आज देखो चिकन कट रहा है। आज बनेगा कुछ, क्या बनेगा? बटर गार्लिक चिकन विदाउट बटर। बोला कि बटर से नहीं करते, थोड़ा हल्का रखते हैं क्योंकि यू नो अगर पेट भी खराब हो गया तो गड़बड़ हो जाएगा। तो वो चिकन कट रहे हैं और इधर मैं फिर से लहसुन वही कर रही हूँ। तो उसके बाद हम दोनों मिलके बनाएंगे बटर गार्लिक चिकन। ये हो गया मेरा चिकन मैरिनेट, लेकिन ये मैरिनेट करते टाइम मुझे मतलब दिखा कि ब्लैक पेपर नहीं है, ब्लैक पेपर ख़त्म हो गया है, लेकिन वो जो होल है वो ब्लैक पेपर है हमारे पास, ये है। तो इसको हम अभी मिक्सी में क्रश करके डालेंगे क्योंकि विदाउट ब्लैक पेपर यू नो थोड़ा सा मिर्ची मिर्ची वगैरह तीखा तीखा वो स्वाद नहीं आएगा। और इधर हमारा चिकन बनता हुआ हो गया है, हो गया है, थोड़ा क्रिस्पी होगा अभी। हम लोगों ने ना कॉर्नफ्लावर डालना ही भूल गए। मैरिनेट करके सब कुछ करके रखा था लेकिन कॉर्नफ्लावर भूल गए। सो बाद में जब मैं फ्राई कर रही थी थोड़ा सा मैंने ऐसे यू नो स्प्रिंकल करके दिया है, बट आई थिंक इट विल बी नाइस। नहीं तो वो थोड़ा और क्रिस्पी ज़्यादा और रेड भी होता थोड़ा कलर में। तो हम वैसे ही लो हीट में थोड़ा सा क्रिस्पी बना रहे हैं। सो एक्साइटेड, बहुत दिनों के बाद कुछ ऐसे खाएंगे, है ना? बनाने का टाइम मिलता नहीं है हमें टाइम नहीं मिलता और अभी हम घर पे ही बना रहे हैं। तो ये देखिए सलाद सिर्फ क्यूकम्बर और ये है चाट मसाला, मैगी मसाला और सॉस और ये है हमारा क्रिस्पी चिकन। और वही घर वापसी जो है वही देख रहे हैं इसके साथ हम लोगों ने।